ओ भाई साहब, यार मैंने तो सच में ही अपनी इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम के अंदर में सीक्रेट टर्नर ले लिया है। हेलो गाइस, यार वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और फाइनली मैंने अपने इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम के अंदर में सीक्रेट टर्नर ले लिया। हाँ गाइस यार, तुम लोग ने बहुत ही सही सुना है। हाँ गाइस यार, तुम लोग देख सकते हो, फाइनली मैंने अपनी इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम के अंदर में कुछ ऐसा टर्नर ले लिया और इसे खेलने में तो मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था। और आज की वीडियो में तुम लोग को बताने वाला हूँ कि किस प्रकार तुम लोग को भी अपने गेम के अंदर में ये टर्नर लेना है। गाइस यार, मेरे पास तो टर्नर का पूरा फुल गेम प्ले खेल कर हुआ रखा हुआ है, मैं तुम लोग को आगे अभी दिखाने वाला हूँ वीडियो में। इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, दोस्तों को शेयर कर देना ताकि लोग को पता चल जाए किसके प्रकार अपने गेम में ये लेना है। और गाइस यार, तुम लोग को भी वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वरना तुम लोग को पता नहीं लिख पाएगा कि किस प्रकार तुम लोग को अपने गेम में लेना। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, कहीं भी मैं वीडियो में बता सकता हूँ किस प्रकार तुम लोग को अपने गेम में ये सभी चीज लेना है। गाइस यार, मैं वीडियो में आगे तुम लोग को ये भी बताने वाला हूँ कि किस प्रकार तुम लोग अपने गेम के अंदर मल्टीप्लेयर मोड खेल सकते हो। हाँ गाइस, ये भी बताने वाला हूँ, क्योंकि गाइस यार मुझसे बहुत से बंदे पूछ रहे थे, भाई तुम लोग अपने गेम में मल्टीप्लेयर मोड खेल लेते हो, पर मेरे को नहीं पता कि हम कैसे अपने गेम में मल्टीप्लेयर मोड खेल सकते हैं। इसलिए गाइस यार, मैं आज तुम लोग की बातों का पूरा जवाब देने वाला हूँ, साथ ही मल्टीप्लेयर मोड के साथ साथ तुम लोग को सीक्रेट टर्नर, हाँ गाइस, हमारे गेम में ऐड हो चुका है। तो चलो यार, मैं तुम लोग को अपने सीक्रेट टर्नर का फुल गेम प्ले वीडियो दिखा देता हूँ। तो गाइस यार, तुम लोग देख सकते हो अपने इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम का कुछ सीक्रेट टर्नर यहाँ से शुरू होते जाता है, और यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर एक ट्रेन भी लगी हुई है। और गाइस यार, तुम लोग देख सकते हो हमारा सीक्रेट टर्नर मतलब बहुत ही बड़ा बनाया गया। मुझे तो लग रहा है तुम लोग को आगे मैं पूरा सीक्रेट टर्नर घुमाने वाला हूँ। यहाँ पर एक ट्रेन भी हमें दिख चुकी है, देख सकते हो। और गाइस यार, मुझे तो सीक्रेट टर्नर के अंदर आके बहुत ही अच्छा लग रहा है, तुम लोग को मैं भी अभी बताने वाला हूँ किस प्रकार लेना, फिर तुम लोग भी गेम प्ले खेलोगे ना, मजाक नहीं, तुमको भी बहुत मजा आएगा। चलो गाइस, मैं तुम लोग को ऊपर ट्रेन के ऊपर से जाके दिखा देता हूँ अपने ट्रेनर को, मतलब टर्नर को अपने अंदर से कैसा दिखता है अपना टर्नर। तो गाइस यार, देख सकते हो हमारा टर्नर बहुत ऊंचाई हाइट पे बनाया गया, तो मैं तुम लोग को ट्रेन के ऊपर से चलकर दिखा देता हूँ। देख सकते हो गाइस यार, हमारा टर्नर पीछे साइड कुछ इस प्रकार दिखता है। और गाइस यार, हमारे इंजन ही बस रखा गया है हमारे टर्नर के अंदर, हमारी ट्रेन को भी अपन जोड़ सकते, पर यहाँ पर तो हमें इंजन वगैरह ही रखा दिखा हुआ। और गाइस यार, टर्नल के चारों ओर देख सकते हो मतलब यहाँ भाई पूरी मतलब कंक्रीट वाली दीवार जैसा बनाया गया है, और इसके अंदर मतलब देख सकते हो पटरी वगैरह पूरी फुल तरह से बिछाई गई है। चलो गाइस यार, मैं तुम लोग को अपने इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम में पीछे साइड से दिखा देता हूँ। तो देख सकते हो ट्रेन के पीछे साइड से कुछ हमें इस तरह नजारा देखने के लिए मिल, मतलब गाइस यार, हमारे इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम का टर्नल हमें जेरोसिक पार्क के मतलब जंगल के अंदर देखने के लिए मिलने वाला, मतलब बहुत ही मजा आने वाला इस बार के अपडेट में। गाइस यार, देख सकते हो टर्नल का एंड कुछ इस प्रकार यहाँ पर हो जाता है हमारे इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम में। अब चलो मैं तुम लोग को बता देता हूँ कि किस प्रकार तुम लोग को भी अपने इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम में ये ऐड करना है। और फिर गाइस, मैं तुम लोग को अपने टर्नल की लोकेशन भी बता दूंगा, क्योंकि तुम टर्नल तो ले लोगे, फिर तुम लोग को टर्नल की लोकेशन भी नहीं पता चलेगी, फिर लोकेशन भी बता दूंगा, वरना तुम लोग को पता ही नहीं चलेगा कि हमारे टर्नल की लोकेशन कहाँ। तो चलो यार, अब मैं तुम लोग को अपने इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम में सबसे पहले बता देता हूँ कि किस प्रकार तुम लोग को अपने इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम में मल्टीप्लेयर मोड लगाकर मल्टीप्लेयर मोड को एंजॉय करना है। वीडियो को लाइक कर देना, लाइक नहीं कर रहा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों में भी शेयर कर देना। कब से तुम लोग को बता रहा हूँ, तो सबसे पहले तुम लोग को 320 डायल करना, देख सकते हो मैंने 320 डायल करा। गाइस, मैं अभी तुम लोग को मल्टीप्लेयर मोड वाली ट्रिक बता रहा हूँ, फिर तुम लोग को बताऊंगा कि किस प्रकार टर्नल लेना, तो इसलिए वीडियो को स्किप मत करना। फिर से तुम लोग को 320 डायल कर देना, दो मतलब जेट पैक को बोला लेना। तो चलो यार, मैंने फाइनली अपने गेम के अंदर दो जेट पैक को बोला लिया, तो अपन लोग को कोई भी एक जेट पैक के ऊपर बैठ जाना, जिस प्रकार मैं वो ट्रिक को अपना रहा हूँ, तुम लोग को भी अपने गेम के अंदर वो ट्रिक लगाना है। गाइस, तुम लोग को कुछ नहीं करना, अपने जेट पैक को धीरे धीरे उड़ाना, उड़ाते जाना है, और अपने वो फर्स्ट वाले जेट पैक के सामने लाते जाना, जिस प्रकार मैं धीरे से ला रहा हूँ। तो गाइस यार, मैंने यहाँ पर वीडियो को थोड़ा स्किप करके देख सकते हैं, अपने जेट पैक को अपने सेकंड जेट पैक के सामने ला लिया और उतर गया, और फिर तुम लोग को बैठ जाना उसी जेट पैक से जिस पे उतरे थे। याद रहे गाइस, केवल उतरने की बटन बसकना, फिर से उसी बटन को मसक के बैठ जाना, और देख सकते हो जैसे अपने जेट पैक को फ्लाई करोगे किस प्रकार तुम लोग मल्टीप्लेयर मोड खेल पाओ। और गाइस यार, तुम लोग अपने इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम के अंदर में कुछ ये वाली ट्रिक लगाकर बहुत अच्छी तरह से मेरी तरह भी मल्टीप्लेयर मोड खेल पाओगे। इस वाली ट्रिक को खेलने में मतलब भागने में मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आया। गाइस यार, देख सकते हो मैं दोनों जेट पैक को किस प्रकार अपने गेम में उड़ा पा रहा हूँ, तो ये दोनों थोड़ा चिपक गए हैं आपस में, वरना अलग अलग भी उड़ते हैं, उड़ाने मजा आता है। तो चलो यार, मैं तुम लोग को बता देता हूँ अपने इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम के अंदर में किस प्रकार तुम लोग को भी अपने इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम में अब तुम लोग को सीक्रेट टर्नर लेना। चलो, 2 मिनट का काम है, बता देता हूँ। गाइस यार, उससे पहले मैं बहुत से बंदे कमेंट करके पूछ रहे थे, भाई तुम लोग हवा में फ्लाई कैसे कर लेते हो, चलो तुम लोग को वो भी बता देता हूँ। तो हवा में फ्लाई करने के लिए तुम लोग को स्विमिंग पूल के अंदर 320 करके एक जेट पैक बोला लेना है। हाँ गाइस यार, इस ट्रिक में तुम लोग को
ज़्यादा कुछ नहीं करना, जिस प्रकार मैं अपने गेम के अंदर में देख सकते हो 320 डायल कर लिए, और जैसे मैंने एक जेट पैक बोला लिया, स्विमिंग पूल के अंदर चले जाना और उस जेट पैक के ऊपर बैठ जाना जिस प्रकार मैं बैठ गया। और इसके बाद गाइस तुम लोग को कुछ नहीं करना, अपने जेट पैक को फ्लाई करते जाना। हाँ गाइस, जिस प्रकार मैं अपने जेट पैक को फ्लाई करते जा रहा हूँ, तुम लोग को भी अपने गेम के अंदर में उसी प्रकार जेट पैक को फ्लाई करना। और देख सकते हो हमारा कैरेक्टर किस तरह एक्टिविटी कर रहा है, मतलब गाइस यार ये तो बहुत ही फनी एक्टिविटी कर रहा है। चलो मैं तुम लोग को इस जेट पैक से कूद कर दिखाता हूँ, तो फिर हमारा मतलब कैरेक्टर फ्लाई करेगा। देख सकते हो फाइनली हम कूद गए तो हमारा कैरेक्टर फ्लाई कर रहा। सोचो यार इस ट्रिक को अगर अपन सेकंड जेट पैक के ट्राई करें तो क्या होगा। चलो मैं तुम लोग को अपने सेकंड जेट पैक के भी ट्राई करके दिखाता हूँ, उसमें क्या हमें देखने के लिए मिलता है। चलो यार अपन लोग इसी प्रोसेस को अपना कर फिर से अपने सेकंड जेट पैक को बोला लेते। तो मैं देख सकते हैं यहाँ पर 330 डायल करके अपने स्विमिंग पूल के अंदर सेकंड जेट पैक को बोला लेता हूँ। चलो आप स्विमिंग पूल के अंदर जाके इसी ट्रिक को अपनाते हैं। तो भाई लोग यार यहाँ पर मैं सेकंड जेट पैक के ऊपर बैठ चुका हूँ, चलो तुम लोग को इसे भी फ्लाई करके दिखाता हूँ। और देख सकते हो ये तो थोड़ी थोड़ी एक्टिविटी भी कर रहा है, देख सकते हो किस प्रकार फनी एक्टिविटी कर रहा है। चलो गाइस मैं तुम लोग को इस जेट पैक से भी कूद कर देखा देता हूँ। चलो इसको थोड़ी हाइट पर रख लेते हैं, इसको हाइट से कूदा के देखेंगे तब हमें बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। चलो यार मुझको लगता है इतनी हाइट तो फिक्स है अपने जेट पैक की, अब चलो मैं तुम लोग को यहाँ से कूद कर दिखा देता हूँ। तो देख सकते हो मैं कूद चुका हूँ और ये तो बहुत ही अच्छा फ्लाई कर रहा था। मतलब गाइस यार अपन लोग कह सकते हैं मतलब दोनों जेट पैक लगभग समान, मतलब दोनों इक्वल अच्छा फ्लाई कर रहे थे। अब चलो मैं तुम लोग को अपने इंडियन बैक ड्रीम 3D गेम के अंदर कुछ ऑल न्यू चीट कोड बता देता हूँ जो अभी ऐड हुए। सीक्रेट चीट कोड गाइस, हाँ जो तुम लोग को अभी पता नहीं चले हैं, जो सीक्रेट चीट कोड अपने गेम के अंदर में ऐड हुए, तो जिसमें से हमारा पहला सीक्रेट चीट कोड है 667। गाइस यार तुम लोग अपने इंडियन बैक ड्रीम 3D गेम के अंदर में याला सीक्रेट चीट कोड लगाओगे तो तुम्हारे गेम के अंदर में एक JCB आ जाएगी, और अपन लोग अपने इंडियन बैक ड्रीम 3D गेम के अंदर में JCB का कलर तो चेंज नहीं कर पाएंगे। गाइस तुम लोग सोच रहे होगे कि मैं तुम लोग को टर्नल लेने का क्यों नहीं बता रहा हूँ, तो गाइस मैं तुम लोग को मतलब मुश्किल से 50 सेकंड भी नहीं लगेंगे तुम लोग को टर्नल किस प्रकार लेना। तो उससे पहले तुम लोग ये चीट कोड जान लो, जैसे तुम 8880 डायल करोगे तुम्हारे गेम के अंदर में ये न्यू कैंपेन कार आ जाएगी, और ये बहुत से लोगों को पसंद आए। तुम लोग को चीट कोड नहीं पता था तो मैंने तुम लोग को बता दिया, उसका कलर भी चेंज कर पाओगे। तो मैं गाइस मुश्किल से तुम लोग को 1 से 2 चीट कोड बताने वाला हूँ, उसके बाद मैं तुम लोग को बताऊंगा कि किस प्रकार तुम लोग को अपने गेम में टर्नल लेना, क्योंकि अब वो आखिरी चीज है टर्नल हमारी। तो इसके बाद यार अपन अपने इंडियन बैक ड्रीम 3D गेम के अंदर में 3100 डायल करेंगे तो हमारे गेम के अंदर में देख सकते हो यहाँ पर बोलेरो कार भी हमें देखने के लिए मिल जाती है, और इसका हम कलर भी चेंज कर पाएंगे। इसके बाद अपने इंडियन बैक ड्रीम 3D गेम के 2 सीक्रेट जेट पैक का चीट कोड आ जाता है, तो जिसमें से पहला सीक्रेट जेट पैक का चीट कोड है 320 जैसे डायल करोगे तो पहला जेट पैक आ जाता है 330 दूसरे का। तो चलो यार मैं तुम लोग को सेकंड जेट पैक भी बता देता हूँ। तो चलो मैं तुम लोग को 330 डायल कर रहा हूँ, और यहाँ पर देख सकते हमारा सेकंड जेट पैक भी आ जाता है। सर मैं तुम लोग को मुश्किल से 3 से 4 चीट कोड बताने वाला हूँ, उसके बाद तुम लोग को बताऊंगा कि किस प्रकार टर्नल लेना है। तो चलो अब 8123 जैसे डायल करोगे तो मस्टैंग GT भी आ जाएगी तुम्हारे सामने। और अब इसके बाद हमारे इंडियन बैक ड्रीम 3D गेम का नेक्स्ट चीट कोड होने वाला 2244। हाँ गाइस हम लोग जैसे ही अपने इंडियन बैक ड्रीम 3D गेम के अंदर में 2244 डायल करेंगे तो सुपर कार भी आ जाएगी। और गाइस यार तुम लोग ने हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं कर तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, दोस्तों में भी शेयर कर दो। कब से बोल रहा हूँ, तो नेक्स्ट चीट कोड है फरारी का, तो 8811 डायल करोगे तो फरारी कार भी आ जाएगी। चलो अब मैं तुम लोग को अपने गेम का लास्ट और फाइनल चीट कोड बता देता हूँ, आर्मी टैंक का चीट कोड। तो हमारा आर्मी टैंक का चीट कोड बहुत से लोगों को नहीं पता है। गाइस यार अब हमारे आर्मी टैंक का चीट कोड होने वाला 4040। हाँ गाइस देख सकते हो मैं 4040 जैसे डायल करता तो मेरे गेम के अंदर में आर्मी टैंक भी यहाँ पर आ जाता है। गाइस यार मैंने अपने इंडियन बैक ड्रीम 3D गेम के अंदर में जितने भी सीक्रेट चीट कोड वगैरह थे अब वो तो बता दिया, अब चलो तुम लोग को बता देता हूँ किस प्रकार तुम लोग को अपने गेम के अंदर में टर्नल ऐड करना है, फिर बता दूंगा कि हमारे टर्नल की लोकेशन क्या होने वाली। चलो मैं उससे पहले तुम लोग को टर्नल की लोकेशन में देता हूँ, तो हमारे टर्नल की लोकेशन गाइस जेरोस्विक पार्क में होने वाली। तो यार अब चलो तुम लोग को बता देता हूँ किस प्रकार अपन को अपने इंडियन बैक ड्रीम 3D गेम के अंदर में टर्नल ऐड करना है। गाइस यार अपन लोगों को अपने इंडियन बैक ड्रीम 3D गेम के अंदर में टर्नल ऐड करने के लिए सबसे पहले न्यू अपडेट लेना होगा, और न्यू अपडेट में क्या क्या ऐड होने वाला है तो मैंने तुम लोग को पिछली वीडियो में बता दिए। तो अब नेक्स्ट अपडेट में हमारे इंडियन बैक ड्रीम 3D गेम में टर्नल ऐड होने वाला है। तुम लोग सोच रहे होगे कि मैंने अपने गेम के अंदर में टर्नल कैसे ले लिया, तो गाइस मैंने तुम लोग को जो भी अभी वीडियो क्लिप दिखाई थी ना वो मुझे रोहित सर ने सेंड की थी तुम लोग को बताने के लिए, इसलिए मैंने तुम लोग को अभी बता दिया कि टर्नल ऐड होने वाला है। यार मैंने तुम लोग को टर्नल से रिलेटेड तो सारी इन्फॉर्मेशन दे दी, और कब लेना तुम लोग को ये भी बता दिया। अब तुम लोग को जल्दी से अपडेट लेने के लिए कुछ नहीं करना, जल्दी से हमारे कमेंट बॉक्स में जाके अपडेट ले दो, जिससे कि रोहित सर हम लोग को जल्दी से अपडेट दे देंगे। और अब गाइस रोहित सर पूछना चाहते हैं कि और हमारे इंडियन बैक ड्रीम 3D गेम में क्या ऐड किया जाए, तो अब तुम लोग को कुछ नहीं करना, जल्दी से अपनी डिमांड कमेंट बॉक्स में जाकर लिख दो हमारे, तो जिससे कि मैं रोहित सर को वो डिमांड दिखाऊंगा, तो जिससे कि रोहित सर हम लोग को जल्दी से वो चीज गेम में ऐड कर देंगे। यार अब तुम लोग को कुछ नहीं करना, जल्दी से हमारे कमेंट बॉक्स में जाओ, और जिस चीज की जितनी ज्यादा डिमांड करोगे तो उतनी जल्दी हमारे इंडियन बैक ड्रीम 3D गेम के अंदर में वो चीज हमें देखने के लिए मिल जाएगी। आप कुछ नहीं करना, जल्दी से भर भर के कमेंट कर सकी गाइस रोहित सर जल्दी से अपने इंडियन बैक ड्रीम 3D गेम के अंदर में वो चीज ऐड कर देंगे। तो चलो मैं तुम लोग को मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टाटा बाय बाय, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जय श्री राम।